हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। महिंद्रा एक्सयूवी 700 का ये जो वेरिएंट हमारे साथ है, आप देख के समझ गए होंगे व्हील्स को, बेस वेरिएंट है ये एमएक्स वेरिएंट, जो कि आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ ही आता है। बट यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मिलती है वो सिर्फ 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगी, यानी कि 7 सीटर में ये आपको एमएक्स वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। एक्सशोरूम कॉस्ट की बात करें तो एक्सशोरूम कॉस्ट इसका अराउंड 13 लाख रुपीज के आसपास, और क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, इस वजह से ये अपने सेगमेंट तो छोड़िए बट इसी प्राइस रेंज के आसपास जो दूसरी 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती है उनको भी टक्कर देती है। तो डिटेल में बात करने वाले हम इस महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बेस वेरिएंट के बारे में, और आपको बताएंगे कि क्या ये वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए आपको या नहीं। बट मेक श्योर गाइस, अगर आप ये वेरिएंट की वीडियो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कीज की बात करते हैं, कीज आपको ऐसी मिलती है, कुछ फ्लिपेबल बेसिक कीज है, लॉक बटन, अनलॉक बटन और बूट एक्सेस करने का बटन मिलता है आपको। अनलॉक करता हूं, जैसे मैंने अनलॉक किया तो इसकी लाइट जो है वो ऑन हो गई है, और यहां पे आप नोटिस करेंगे कि आपको बेस वेरिएंट में हैलोजन लाइट का कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है। उसी के साथ इंटीग्रेटेड है इसके टर्न इंडिकेटर्स नीचे की साइड, बट इंडिकेटर जो है वो अगेन इसके बल्ब है नॉर्मल एक। यहाँ पे गाइस मैं एक और चीज बता दूं कि महिंद्रा एक्सयूवी 700 में आपको इंजन जो मिलते हैं वो मिलते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों, और अगर बात करें एमएक्स वेरिएंट की तो एमएक्स वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ही ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स जो भी आते हैं उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अभी हमारे पास जो इसका वर्जन है वो इसका डीजल वर्जन, और इसमें जो डीजल इंजन है वो 2.2 लीटर का महिंद्रा का एम हॉक डीजल इंजन है, जो कि इससे पहले आपने महिंद्रा थार में भी देखा है। बट गाइस यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ट्विस्ट ये है कि ये जो एमएक्स वेरिएंट का डीजल इंजन है वो अपने हायर वेरिएंट्स की तरह ही 2.2 लीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, बट अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ये इंजन रिलेटिवली कम पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है अपने हायर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में, जहां इसके हायर वेरिएंट्स का डीजल इंजन 182 bhp ऑफ पावर एंड 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वहीं इस एमएक्स वेरिएंट का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 153 bhp ऑफ पावर एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो फ्रंट प्रोफाइल की हमने बात कर ली, लाइट्स की हमने बात कर ली, यहाँ पे आप देखेंगे तो महिंद्रा की आपको ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिलेगी और उस पर महिंद्रा का लोगो लगा है, जो कि महिंद्रा का न्यू लोगो है, और आने वाली फ्यूचर की दूसरी कार्स में भी आपको वही लोगो देखने को मिलने वाला है महिंद्रा का। उसके अलावा नोटिस करेंगे आपकी ये बेस वेरिएंट है, इस वजह से आपको नीचे की साइड कोई भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हील्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 17 इंचेस के, बट 17 इंचेस के स्टील रिम है यहाँ पे, अलॉय व्हील्स या व्हील कवर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। उसी के साथ ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक्स मिलता है, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा फैक्टर इसे बना देता है। कार को हम पहले अनलॉक करेंगे और यहाँ से इसे ऐसे हम प्रेस करते हैं तो ये हो गए डोर ओपन इसके। और स्पेस की बात, इंटीरियर की बात हम बाद में करते हैं, पहले अभी हम बाहर के एक्सटीरियर पे फोकस करेंगे। ओआरवीएम्स को देखें, ओआरवीएम्स आपको फुली ब्लैक पियानो फिनिशिंग में दिए गए हैं, उसी के साथ इंटीग्रेटेड है इसके टर्न इंडिकेटर्स। गाड़ी लॉक करता हूं मैं, बट ये ओआरवीएम्स बंद नहीं हुए, इसका मतलब ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। बट अच्छी बात यह है कि आप इन्हें इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सयूवी 700 के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 200 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। मोनोकॉक चेसी आपको यहाँ पे मिलती है, महिंद्रा की दूसरी कार जैसे स्कॉर्पियो और थार की तरह आपको यहाँ पे लैडर ऑन फ्रेम चेसी नहीं मिलेगी। इस वजह से महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 में ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया है, बट ये जो वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है, फ्रंट व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल की अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी एलईडी लाइटिंग्स आपको देखने को मिल रही है, इंडिकेटर आप देख रहे हैं चल रहे हैं इसके एलईडी वाले हैं। एक्सयूवी 700 की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, महिंद्रा का न्यू लोगो, कोई आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बेस वेरिएंट की वजह से, बट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बूट स्पेस ओपन कर देता हूं मैं, और ये जो मेन इसका हाईलाइट है वो ये है कि इसमें आपको थर्ड रो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये वेरिएंट 5 सीटर वाला वर्जन है, थर्ड रो है नहीं, इस वजह से बूट इतना बड़ा है कि आप चाहे तो इसमें बेड लगा के भी आराम से बैठ सकते हैं, मतलब बेड बना के इसे लॉन्ग जर्नीज पे, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। मोर ओवर इसका जो बूट है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है
इस वेरिएंट को कंसिडर करने का अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में एक 5 सीटर कार ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे व्हील्स की बात करूँ स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको गाड़ी के नीचे मिलता है, बट यहाँ पे आपको इसके टूल किट देखने को मिल जाती है जो कि आपको इसके नीचे मिलती है। और इसे हम बंद कर देते हैं और बूट से अब आ जाते हैं बाहर। ऑल दो यहाँ से बाहर आने का मन अभी मेरा कर नहीं रहा है, बट हमें वीडियो कवर करनी है पूरी, तो यहाँ से बाहर आने के लिए हमें ऐसा आना पड़ेगा। और ये जो टेलगेट है गाइस, यहाँ पे आप जो चीज नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि टेलगेट बहुत ही ज्यादा लाइट है, क्योंकि ये टेलगेट फाइबर से बनाया हुआ है और महिंद्रा कहता है कि सेफ्टी कोई इफेक्ट नहीं करता है। और अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं कि मेन फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं इस बेस वेरियंट में। ओके, तो गाइज हम आ गए XUV700 के बेस वेरियंट के इंटीरियर में। कीज जो आए आपको फ्लिपेबल मिलती है, यहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ और ये हो गया इसका इग्निशन ऑन। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो चीज, पहले तो इसकी वॉल्यूम जो है वो मैं यहाँ से कम कर देता हूँ थोड़ा। और मजे की बात तो ये है कि बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल आपको ऑब्वियसली बात है इसमें नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको इसलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। मोरओवर जो इसके ऊपर आपको वेरिएंट्स मिलते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो एनालॉग नहीं होता, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग मिल रहा है आपको। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल रहा है इसका RPM, और राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है। मिडिल में MID मिल रहा है, डिस्टेंस टाइम एवरेज स्पीड आप यहाँ पे सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। डोर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप डोर का इंडिकेशन भी देख सकते हैं। और डोर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से स्टोर हो जाएगी इसकी। पावर विंडोज़ की बात करते हैं, पावर विंडोज़ के स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैंने जैसे बताया था कि ORVMs आप ऑटो फोल्ड तो नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ से आप एडजस्ट जरूर कर सकते हैं ORVMs। लॉक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त में देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में थोड़ी छोटी स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का आपको मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो आपको इसमें मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि क्वालिटी जो है वो यहाँ की थोड़ी सी अच्छी देखने को नहीं लगती है। बट स्टिल हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो कार है वो आपको बेस वेरिएंट में फीचर तो अच्छे देती देती है, साथ ही साथ इंजन भी जो है वो पावरफुल देती है। तो इस वजह से मुझे कोई ज़्यादा कंप्लेन नहीं है इस वेरिएंट के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो AC आपको कुछ ऐसा मिलता है, ऑटोमेटिक AC नहीं है, मैनुअल ही है। AC वेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है, और ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतनी है कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत सारी कार से बेहतर आपको ये पूरी क्वालिटी देती है इंटीरियर की। IRVM की बात करें तो मैनुअल ही डिमिंग मिलेगा। और यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि कैबिन की लाइट जो है वो LED है, और इसका थ्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलेगा, बट इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे बहुत ही ईजी हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना। इसे ऑब्वियसली बात है बेस मॉडल है तो इस वजह से आपको यहाँ पे सनरूफ तो देखने को नहीं मिलेगी, बट मिडिल में आप एक और लाइट देख सकते हैं पीछे की। MX वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ही ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको डीजल इंजन के साथ भी मैनुअली आएगा, पेट्रोल के साथ भी मैनुअली आएगा। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, हैंडब्रेक आपको मैनुअल ही मिलेगा अगेन। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मजे की बात यह है कि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सच बताऊँ इस प्राइस के हिसाब से इसमें कोई भी आपको कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी इसके इंटीरियर में। मोर ओवर अच्छी बात यह भी है कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कार काफ़ी अच्छी है। एंड अब हम चलते हैं इसके रियर सीट में और चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे स्पेस कैसा है। और अब आ गए हैं महिंद्रा XUV700 के रियर सीट में, और यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 9 इंच के आसपास, एंड स्कूप्ड आउट सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डोर की बात करें तो डोर में आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है। अगेन पावर विंडोज़ के स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये हो गई पावर विंडोज़ डाउन, और ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये लॉक हो गया। और ओवरऑल जो डोर की फिट एंड फिनिश है वो भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट ठीक है। AC वेंट्स आपको रियर में भी देखने को मिलते हैं बेस वेरिएंट से, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल आपको देखने को मिलता है, Type-C पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है। फ्लोर जो है बिल्कुल ही फ्लैट है इसका ऑलमोस्ट, तो इस वजह से जो मिडिल में पैसेंजर बैठा रहता है, मैं एक बार मिडिल में बैठ के दिखाता हूँ, उसे बैठने में यहाँ कोई इशू नहीं होता। रियर से फ्रंट का जो कंपार्टमेंट है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं रियर से फ्रंट का जो कंपार्टमेंट है ऐसा दिखेगा आपको, और ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। पीछे का व्यू मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका बूट का, तो यहाँ से बूट जो हमने ऑलरेडी आपको चेकआउट कराया था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। ऑल दो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट जो है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पे, बट इतना है कि आप आराम से इस बूट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग जर्नीज पे। यहाँ पे आप इसे बेड भी बना सकते हैं अपना मिनी। हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट आपको 2 मिलते हैं, एक और एक दूसरा मिडिल में भी दिया गया है, बट मिडिल में जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है इन दोनों की तरह। सीट को आप डाउन कर सकते हैं पूरा, बट इसमें आपको 60-40 स्पीड नहीं मिलेगा, इसमें आपको बेंच फोल्डिंग ही मिलेगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप लॉन्ग जर्नीज पे जाएं। और अगर आपको इनकेस सोना पड़ जाए कार में ही तो वो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी।
ओके तो गाइस अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे, यानी कि वर्डिक्ट पे, कि क्या ये गाड़ी आपको कंसीडर करनी चाहिए या फिर क्या ये MX वेरिएंट आपको कंसीडर करना चाहिए। तो अगर आपका बजट 15 टू 16 लाख के आसपास लाई करता है तो डेफिनेटली ये कार बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए बन जाती है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसमें वो ये है कि इसका जो डीजल इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ सेफ्टी रेटिंग्स भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आप इस प्राइस रेंज में दूसरी कॉम्पैक्ट SUVs देख रहे हैं। तो ये थोड़ी बड़ी भी है, स्पेस भी ज़्यादा ऑफर करती है, प्रैक्टिकलिटी भी ज़्यादा ऑफर करती है। तो अब आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये MX वेरिएंट महिंद्रा XUV700 का कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है गाइज तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।